रायबरेली में मिशन शक्ति अभियान की उड़ी धज्जियां। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का है, जहां एक नाबालिग किशोरी को दूसरे समुदाय के लड़के तबरेज पुत्र कदीर खान ने नाबालिग लड़की को स्कूल से पेपर देकर वापस घर आते समय हाथ पकड़कर जंगल की ओर ले जाने लगा। तभी नाबालिग बच्ची ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरे समुदाय के आरोपी तबरेज पुत्र कदीर खान निवासी संदी नागिन ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर जब स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए दौड़े तो आरोपी लड़की को वहीं सड़क किनारे छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी रिजवान पुत्र कबीर की तलाश शुरू कर दी है। मिल एरिया क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब हम स्कूल से आ रहे थे तभी गली में एक काली माँ का मंदिर पड़ता है, उसके पास नहुआ बाग है, वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम तबरेज है उसने हमारे साथ छेड़खानी की और खींचा भी अपनी तरफ। जब हमने उसका विरोध किया तब उसने हमारे ऊपर वार किया और बदतमीजी भी करने लगा। तब उसके बाद हम वहाँ पे चिल्लाए, तब सभी लोग इकट्ठा होने वाले थे, तब वो भाग गया डर के और सब लोग पापा को मतलब बताएं। तब हम यहाँ पे थाना मिल एरिया में रिपोर्ट दर्ज कराने आए। क्या इसके पहले भी परेशान कर रहा था? हाँ यस। देखें, आज मिल एरिया थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष को दोपहर में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी ने ये बताया कि उनकी पुत्री स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में उसी के गांव का रहने वाला लड़का छेड़खानी किया है। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है और संपूर्ण घटनाक्रम पर गहराई के साथ साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।